हत्याकांड के तीन अभियुक्त गिरफ्तार, आला कत्ल भी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। मैनपुरी जनपद के विकास खंड करहल के गांव नगला खुड़े में 26 अगस्त को विवादित प्लाट पर टेम्पो खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। एक दूसरे पक्ष पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें एक पक्ष के देवेंद्र कुमार पुत्र भारत सिंह व दूसरे पक्ष के योगराज पुत्र स्वर्गीय बाबूराम निवासी नगला खुड़े की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के संबंध में एक पक्ष के नंद किशोर परमानंद प्रांशु सुखबीर उर्फ राजेश पुत्रगढ़ हाकिम सिंह निवासी नगला खुड़े तथा द्वितीय पक्ष के आनंद श्री कृष्ण देवेंद्र मृतक राजेश पुत्रगढ़ भारत सिंह निवासी नगला खुड़े पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पूरी जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी करहल अशोक कुमार ने मीडिया को क्या कुछ बताया है, सुनिए। मैनपुरी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 26/8/21 को ग्राम नगला खुंदे में दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई, फायरिंग हुई, जिसमें दो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों से मुकदमा लिखाया गया है, कार्रवाई चल रही है। दोनों पक्षों से तीन आदमी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको जेल भेजा जा रहा है और शेष जो भी गिरफ्तारी के लिए बाकी हैं उनको गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। सर, वो गांव में बैनर लगा के आंदोलन भी कर रहे हैं, वो कार्रवाई की तो मांग कर रहे हैं। आंदोलन में कार्रवाई हम कर रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं।